सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अनुष्का। तो आज हम कर रहे हैं मीशो चिकनकारी कुर्ती हॉल, जो कि आपको बहुत ब्यूटीफुल से कलर्स में मिलेगी। आज बहुत अफोर्डेबल रेंज में चिकनकारी कुर्तीज, जनरली बहुत महंगी आती है, एक्सपेंसिव आती है, बिकॉज इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, इट्स ऑल ऑफ हैंड वर्क। सो या तो चलिए हॉल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैंने मंगाया है ये ब्लैक कुर्ती, जो कि है कुछ ऐसी। सो आप देख सकते हैं ब्लैक कुर्ती है, इस पर मल्टी कलर थ्रेड वर्क है चिकनकारी का पूरा, ऐसा आप देख सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल सा पीस है। मैं साइज और प्राइजेस आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँ, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसी कुछ है, बहुत प्रीटी लगती है। मुझे लगता है कि एक ही वर्क होना पूरा उस पर, बेटर है कि थोड़ा और कलर आए, और ब्लैक में तो हमको और कलर्स मिले तो क्या चाहिए उसके लिए। ब्लैक बहुत प्रीटी लगती है, बहुत एलिगेंट लगती है कुर्ती। अगर आप पहने, आप लाइट ब्लू जीन्स पे, वाइट प्लाजो पे, चिकनकारी प्लाजो जो आते हैं उस पे, आप किसी पे भी पेयर अप कर सकते हैं। सोया इसकी स्लीव्स कुछ ऐसी है, लास्ट में इसका कुछ वर्क है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसी स्लीव्स हैं इसकी प्लेन, जो कि बहुत सुंदर लगती है पहनने पे। और इधर भी सेम साइज वही है, और बहुत प्रिटी लग रहा है। ट्रायल में आप लोग देख लेना कितना सुंदर लग रहा है ये। और आप लोग उसको, मतलब चिकनकारी कुर्ती से बहुत ट्रेंड में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितनी सेलेब्स वगैरह सब पहनते हैं, बहुत प्रिटी लगती है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ट्रेडिशनल में, इंडो वेस्टर्न, हर एक चीज़ में स्टाइल कर सकते हैं इसको। और ये जो ब्लैक वाले, इसका मटेरियल जो आया है, मुझे अच्छा लगा, इसका मटेरियल भी है। और हर एक चिकनकारी कुर्ती इसके साथ वो लोग भेजते हैं अंदर की इनर, जो कि होती है, पर मुझे इनर्स में ये लगा कि जो जैसे साइज़ है आपकी कुर्ती का, उससे भी थोड़ी बड़ी साइज़ की इनर्स आपको रिसीव होती हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगा, इसमें फील हुआ, जैसे मेरा एम है साइज़ मंगवाया है कुर्तीज़ में जनरली, बाकी मैं आपको मेंशन कर दूँगी। तो उसमें मुझे, मतलब थोड़ी सी ऐसा लगा कि थोड़ी और लूज फिटिंग की इनर्स है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कुर्ते का फिट चाहिए अच्छा सा, तो उसके लिए हमें इनर्स का फिट और अच्छा चाहिए। तो एक वो मुझे मीशो की कुछ ऐसी बात लगी है। बट यह बहुत ब्यूटीफुल सा कुर्ता है ब्लैक वाला, इसका मुझे अच्छा लगा है फैब्रिक भी। सो या आप ट्रायल में वैसे भी देख सकते हैं कैसा लग रहा है। सो या चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कुर्ती है मेरे पास, वो है ये न्यू पिंक कलर में, आप लोग देख ही सकते हैं। इस पे इसमें वाइट थ्रेड से वर्क करा हुआ है, और ये ऐसा कुछ, ये थोड़ा जैसे हमारे कुर्तीज में साइड स्लिट होता है, साइड कट होता है, वैसे नहीं है ये, थोड़ा सा ऐसा पूरा फ्रॉक जो अपना अनारकली बटन होता है वैसा है। और इसमें ऐसा आप देख सकते हैं जो प्लेट्स हैं, तो ये और ब्यूटीफुल लगे। मैंने सोचा कि एक ऐसा भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था पिक्चर्स में, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है कैमरा पे भी, और पहनने के बाद इसका लुक बहुत प्रीटी आएगा। साइज़ प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लेना कि बहुत प्रीटी लग रहा है। इसकी स्लीव्स पे भी ऐसा वर्क है जैसा कुर्ते पे है, वैसे ही वर्क है थोड़ा, तो ये और इन्हेंस हो रहा है फ्रॉक स्टाइल में। कलर मुझे इसका बहुत ज़्यादा प्रीटी लगा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को भी बहुत अच्छा, पैटर्न भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये शीयर नहीं है ऊपर से, ये जो इसका ये वाला पार्ट होता है ना अपना, इधर तक ये शीयर नहीं है, इसलिए मुझे इसके साथ इनर रिसीव नहीं हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि वो प्रीटी लगेगा। जैसे इधर से ये शीयर है, आप लोग देख सकते हैं, और इधर से ये शीयर नहीं है, तो ये पहनने पे एक और अच्छा लुक देगा आप लोगों को। सो या आप ट्रैवल में देख ही सकते हैं इसका लुक कितना प्रीटी आ रहा है। सो मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसका कलर, इसका प्रिंट वगैरह, आई मीन वर्क जो है, बहुत अच्छा लगा है मुझे इसका। सो या ये वन ऑफ माई फेव्स है इनमें, और पर्सनली आई लव चिकनकारी कुर्तीज। सो या चलिए नेक्स्ट की तरफ है, वो है वाइट कलर में हमारे पास, वाइट इज सो ब्यूटिफुल, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार, लिटरली बहुत, मतलब सीरियसली आप लोग देखो, इसकी स्लीव्स पे भी ऐसा वर्क है,
प्योर वाइट है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो। आप लोग को इसका पूरा जो वर्क है आप लोग ट्रायल में देख सकेंगे, तो ये मुझे बहुत प्रीटी लग रहा है, वाइट एकदम प्योर वाइट। और चिकनकारी में प्योर वाइट, यू नो जो वो पहला ट्रेंड है वो वाइट से ही निकला है चिकनकारी का, सो ये बहुत प्रीटी लग रहा है। लिटरली मैं तो बस फैन हो गई यार इसकी, बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। बैक में भी कुछ इसका ऐसा वर्क है, आप लोग ट्राई ऑन में देख सकेंगे, बहुत प्रीटी लग रहा है। लेंथ रहे होंगे कि ये उतना लंबा नहीं है जितना होना चाहिए, उतना ही है जो मीडियम होता है। कुछ कुछ होता है ना कुर्तीज जो ज़्यादा लंबे होते हैं या ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, नहीं ये परफेक्ट लेंथ है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन इसके साथ वाइट इनर रिसीव हुई है, सो इट्स अ गुड थिंग जो कि हमको अलग से नहीं परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो साइजेस के अकॉर्डिंग आता है, कुर्ते के उसके साइड कट के अकॉर्डिंग आता है, तो वो लुक ही दे तो वही बेटर होता है। तो या मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत प्यारा लगा ये वाइट, मतलब ये मेरा फर्स्ट फेवरेट लग रहा है मुझे तो इस हॉल का। पर देखते हैं आगे और कैसे प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं। बहुत प्रिटी लग रहा है वाइट, और वाइट तो यार लव होता है कुर्तीज वगैरह में, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से थम्स अप है। आप लोग बिल्कुल कोई दूसरा ट्राई करे या नहीं करे ये बिल्कुल ट्राई करिएगा। जो सेकेंड लास्ट कुर्ती है वो है ये खुद, ये मैं पहन के बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत यूनिक लगा। लेवेंडर कलर है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वाइब में है, ट्रेंड में है, टी शर्ट्स हो गई, किसी भी चीज़ में हो गया, हमारे आउटफिट्स में बहुत ट्रेंड में है ये। तो मैं ये पहन के ही बैठ गई कि मैंने बोला चिकनकारी हॉल है और अगर मैं कुछ ऐसा ना पहनूँ तो ये तो फेयर नहीं होगा हमारे साथ। सो या आप देख सकते हैं इसकी स्लीव्स ऐसी है, इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छे से आई है, आप लोग देख ही सकते हैं ट्राई ऑन में भी और इधर भी। सो या मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका नेक भी प्यारा है, इतना एलिगेंट सा, प्रीटी सा, इसमें वाइट थ्रेड का वर्क है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है पहनने पर। आप लोगों ने देखा है मैंने ज़्यादा एक्सेसराइज नहीं करा है, सिर्फ इयररिंग्स है, मेरी चेन है और जो सिर्फ टिक्की है, इसमें ये इतना कंप्लीट लग रहा है अपने आप में ही, तो मुझे बहुत प्रीटी लगा। और इसका कलर तो आपको भी बहुत प्रीटी लग रहा होगा, मुझे बहुत यूनिक कलर लगा। एक बार मैंने इसको एक्चुअली जाह्नवी कपूर को पहनते हुए देखा था इसी कलर में कुछ तो, सो या तब से मेरे माइंड में था, बट मुझे मीशो से रिसीव हुआ जो कि मुझे देखा, तो मैंने बोला कि क्यों नहीं ट्राई करें हम इस कलर को वापस। तो मुझे बहुत प्रीटी लगा ये, और इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ ही हॉल को कंटिन्यू करते हैं। सो या मुझे बहुत प्रीटी लगा, मेरा थम्स अप है। फैब्रिक मटेरियल बहुत प्यारा है, थ्रेड्स भी बहुत प्यारे हैं, अच्छे से वर्क किया हुआ है। इनर अगेन मुझे इसके साथ सेम कलर रिसीव हुई है, तो कोई डाउट नहीं है। लेंथ वगैरह एकदम परफेक्ट है, सब कुछ बहुत सही है, तो मुझे कोई इशू नहीं आया है। एंड या चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है वो है अगेन वाइट में, मुझे बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट लगा और मुझे थोड़ा ये अट्रैक्टिव भी लगा एज कम्पेयर टू ऑल। मुझे ये एक्चुअली इस पे वाइट कुर्ता है पूरा, देख सकते हैं चिकनकारी जो है इस पे वर्क किया हुआ है, बट जो पिछला वाला वाइट था उस पे वाइट से ही पूरा करा हुआ था, और जो ये है इस पे ब्लैक से करा हुआ है, और जो उसका मटेरियल था वो प्योर चिकनकारी जो एकदम ट्रांसपेरेंट चिकना थोड़ा ऐसे होता है इसका नहीं है, इसका थोड़ा कुर्ते वाला मटेरियल है, आप लोग देख सकते हैं इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, इसलिए मुझे इसके साथ इनर नहीं रिसीव हुई है बिकॉज इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। और बस मुझे कुछ ओपन करते टाइम दिख रहा था इस पर, लेट मी सी, हाँ मुझे उसे ओपन करते टाइम दिखा था, आप लोग भी आप लोग को भी विजिबल है क्या, ये हल्का सा येलो यहाँ स्पॉट है, एकदम माइनर है बट है, क्योंकि हम न्यू चीज़ें रिसीव कर रहे हैं प्राइस में, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा रिसीव होना चाहिए। बट या ऑल दो कि ये बैक साइड आएगा, फ्रंट में नहीं है तो हम चला सकते हैं, आई डोंट माइंड। बट या कुछ लोगों को ये भी बहुत वो लगता है, मुझे भी लग रहा है बिकॉज वी आर गिविंग सच अ गुड प्राइस, नॉट वेरी लो प्राइस, तो उसके लिए हमें नहीं रिसीव होना चाहिए, बट आई विल डोंट माइंड दिस बिकॉज ये बैक साइड है। तो या और आप ऐसे देख सकते हैं जो इसका साइड कट है उस पे भी ये ऐसा वर्क करा हुआ है जो कि बहुत प्रीटी लग रहा है।
एंड ऐसे ऐसे इस पर फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, बहुत प्रीटी लग रहा है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं ट्राई ऑन में। इसकी स्लीव्स ऐसी कुछ कुछ है, इसका मटेरियल भी शीयर नहीं है बिल्कुल भी, और थोड़ा सा वाइट शीयर होता है बट एकदम ही मिनिमम शीयर है, तो या वो आपको इतना विजिबल नहीं होगा। और मुझे इसका मटेरियल भी मतलब जो बाकी होता है ना उन पर ऐसा रहता है कि यार थोड़ा सा थ्रेड खिंचा गया तो मतलब यू नो पूरा कुर्ता एकदम ऐसा हो जाएगा, पर इसका मटेरियल नहीं है, थोड़ा सा कॉटन मिक्स मटेरियल लग रहा है मुझे इसका, जो कि बहुत अच्छा है। और ये आपको ऐसा नहीं लग डर नहीं रहेगा कि कहीं पर खिंचा गया या ऐसा कुछ, बहुत प्यारा सा मटेरियल है इसका। सो या दैट इज इट, ये कुर्ती थी हमारे हॉल की, सो दैट इज इट। आज का हॉल हम यही एंड करते हैं, तो ये थी सारी चिकनकारी कुर्तीज, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। और हॉल्स देखने के लिए और ऐसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट बिलो। सो या बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।